कांग्रेस की दिग्गज प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का प्रचार करने पंजाब पहुंची और यहां सबसे पहले उन्होंने कोटकपुरा में नवी सोच नवा पंजाब रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न आम आदमी पार्टी को बक्सा और न ही भाजपा को, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी वो बिना नाम लिए बोली। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस से निकली है और केजरीवाल बस आम आदमी का नारा देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया है। नहीं बनाए, और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है। दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।